तारकेश्वर महादेव की, तारकेश्वर महादेव की। आराम बागवासी के अमार आंतरिक शुभेच्छा, बोरोरा प्रणाम एवं छोटोरा अमार भालोबासा नेबेन। सबसे पहले तो मैं मातृशक्ति को सामर्थ्य देने वाली इस भूमि को प्रणाम करता हूं, जहां बगल में ही खानाकुल में महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय जी ने जन्म लिया और नारी शक्ति के जीवन को नया सामर्थ्य दिया था। मैं खानाकुल की इस धरती को प्रणाम करता हूं, राजा राम मोहन राय की प्रेरणा से भारत की नारी शक्ति के कल्याण के लिए जी जान से जुटा हुआ। भाइयों बहनों, आप सभी इतनी बड़ी संख्या में हमें आशीर्वाद देने आए हैं, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। यहां कुछ नौजवान बहुत सुंदर सुंदर चित्र बना करके लाए थे, वहां वो एक बेटी कितनी देर से भगवान जगन्नाथ जी का चित्र लेकर आई थी। आप सबका, क्योंकि ये धरती तो रग रग में कला आर्ट, ये यहां की विशेषता है, मैं आप सबका बहुत आभारी हूं। लेकिन मैं अनुभव कर रहा हूं कि भावी पीढ़ी और वर्तमान युवा पीढ़ी आपका ये प्यार इन सब के प्यार का एक प्रतीक है, और इसलिए मैं हृदय से आप सबका धन्यवाद करता हूं। साथियों, अब से कुछ देर पहले मुझे यहां 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास करने का सौभाग्य मिला। इनमें रेल, पोर्ट, पेट्रोलियम और जल शक्ति से जुड़ी परियोजनाएं शामिल है। मैं बंगाल के आप सभी लोगों को इन परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, पश्चिम बंगाल आजादी के आंदोलन की प्रेरणा स्थली रही है, गुलामी के विरुद्ध प्रखर नेतृत्व देने वाली यहां के हर संतान का सपना था कि भारत विकास की नई ऊंचाई प्राप्त करे। आज मैं जब बंगाल आया हूं तो कह सकता हूं कि आज का भारत उनका ये सपना पूरा कर रहा है। बीते 10 साल में भारत 11वें नंबर की इकोनॉमी से ऊपर उठकर 5वें नंबर की आर्थिक ताकत बना है। G20 में
कैसे भारत की जय जयकार हुई ये हम सबने देखा है। आज भारत स्पेस सेक्टर में अग्रणी बन रहा है, जो काम दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया वो हमारे चंद्रयान ने किया है। आज स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी भारत नए रिकॉर्ड बना रहा है। अब आज स्वतंत्र भारत में देश की समृद्धि और हमारा समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर फिर से पूरे गौरव से नई ऊंचाई प्राप्त कर रहा है और यह हम सभी का सौभाग्य है कि 5 सदियों के इंतजार के बाद, 500 साल के बाद प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजे हैं। पश्चिम बंगाल में जिस तरह राम लला का स्वागत हुआ, श्री राम के प्रति बंगाल के लोगों की जो आस्था है उससे पूरा देश प्रभावित है, प्रेरित है। साथियों, देश की इन उपलब्धियों के बीच बंगाल की स्थिति भी आज पूरा देश देख रहा है। मां माटी मानोस, ये इसके ढोल पिटने वाली टीएमसी ने संदेश खाली की बहनों के साथ जो किया है वो देखकर पूरा देश दुखी है, आक्रोशित है। और मैं कह सकता हूं कि राजा राम मोहन राय की आत्मा आज जहां भी होगी इन लोगों के इन कारनामों के लेकर के अत्यंत दुखी हुई होगी, क्योंकि इन्होंने संदेश खाली में जो किया राजा राम मोहन राय उनकी आत्मा आज रोती होगी। टीएमसी के नेता ने संदेश खाली में बहनों बेटियों के साथ दुस्साहस की सारी हदें पार कर दी। जब संदेश खाली की बहनों ने अपनी आवाज बुलंद की, ममता दीदी से मदद मांगी, उन्हें बदले में क्या मिला? मुख्यमंत्री दीदी ने, बंगाल सरकार ने टीएमसी के नेता को बचाने के लिए जो भी कर सकते थे पूरी शक्ति लगा दी। बीजेपी के दबाव में इन सारे नेताओं ने रात दिन लड़ाई लड़ी, माताओं बहनों के सम्मान के लिए लड़ाई ली, लाठियां खाई, मुसीबतें झेली। बीजेपी के दबाव में आखिरकार कल बंगाल पुलिस ने आपकी ताकत के सामने झुक करके उस आरोपी को गिरफ्तार करना पड़ा। टीएमसी के राज में टीएमसी का ये अपराधी नेता करीब करीब 2 महीने तक फरार रहा। कोई तो होगा ना जो उनको बचाता होगा। क्या ऐसी टीएमसी को माफ करेंगे? ऐसी टीएमसी को माफ करेंगे? क्या माताओं बहनों के साथ जो हुआ है
उसका बदला लेंगे कि नहीं लेंगे, लेंगे कि नहीं लेंगे। हर चोट का जवाब वोट से देना है। आज बंगाल की जनता यहां के मुख्यमंत्री दीदी से पूछ रही है, क्या कुछ लोगों का वोट आपके लिए संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से भी ज्यादा अहम हो गया है? अरे शर्म आनी चाहिए। बंगाल के मेरे भाइयों बहनों, मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इंडी गठबंधन के बाकी नेताओं को देखकर होती है। इंडी गठबंधन के बड़े बड़े नेता संदेश खाली पर आंख कान मुंह, गांधी जी को जो तीन बंदर देने हैं उन तीन बंदरों की तरह आंख कान नाक मुंह सब ये बंद करके बैठे हैं। पटना, बेंगलुरु, मुंबई, न जाने कहां कहां ये साथ मिलकर बैठकें करते हैं, लेकिन क्या लेफ्ट और कांग्रेस ने यहां की सरकार से, यहां के मुख्यमंत्री से जवाब मांगने की हिम्मत की क्या? इन लोगों से संदेश खाली की इन बहनों की तरफ एक नजर देखा भी नहीं गया। और आपने देखा है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कहा, आप सुनकर के चौंक जाएंगे। मेरी माताओं बहनों, जो बंगाली में मेरा ट्रांसलेशन कर सकते हैं वो इन माताओं बहनों को जरूर बताएं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं, अरे छोड़ो, बंगाल में तो ये सब कुछ चलता रहता है, क्या ये बंगाल का अपमान है कि नहीं है? बंगाल की महान परंपरा का अपमान है कि नहीं है? बंगाल की महान संस्कृति का अपमान है कि नहीं है? बंगाल के वीर पुरुषों का अपमान है कि नहीं है? बंगाल के संस्कार प्रिय नागरिकों का अपमान है कि नहीं है? यही सच्चाई कांग्रेस की और इंडी गठबंधन की है। साथियों, इंडी गठबंधन के लिए भ्रष्टाचारियों, परिवारवादियों और तुष्टीकरण वालों का साथ देना ही एक ही काम बचा है, यही सबसे बड़ा काम है। टीएमसी ने बंगाल में अपराध और भ्रष्टाचार का एक नया मॉडल पैदा कर दिया है। राज्य सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है, अपराध को बढ़ावा देती है, इतना ही नहीं अपराधियों को संरक्षण के बदले टीएमसी नेताओं को भर भर के पैसे मिलते हैं। टीएमसी ने यहां प्राइमरी टीचर्स की भर्ती में घोटाला किया, किया कि नहीं किया? घोटाला किया कि नहीं किया? टीएमसी ने यहां म्यूनिसिपालिटी भर्तियों में घोटाला किया कि नहीं किया? घोटाला किया कि नहीं किया? टीएमसी ने यहां सरकारी सामान की खरीद में घोटाला किया कि नहीं किया? घोटाला किया कि नहीं किया? टीएमसी ने यहां गरीब को राशन देने में घोटाला किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? गरीब और मध्यम वर्ग की
जमीन पर कब्जा करना हो, चीट फंड योजनाओं में घोटाला करना हो, बॉर्डर पर जानवरों की स्मगलिंग करनी हो, टीएमसी ने घोटाले और भ्रष्टाचार के लिए कोई क्षेत्र छोड़ा नहीं है। और इसलिए देखो, टीएमसी के मंत्रियों के घर से नोटों के ढेर निकल रहे हैं, नोटों के ढेर। आपने इतने नोटों के ढेर देखे नहीं देखे? देखे नहीं देखे? क्या कभी पहले नोटों का इतने बड़े ढेर देखे थे? कभी सिनेमा में भी देखे थे क्या? क्या कर दिया इन लोगों ने? और ऊपर से यहां की सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों को भी जांच करने से रोकने के लिए हर हथकंडा अपना रही है। यहां के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए धरने पर बैठ जाती है। टीएमसी चाहती है कि केंद्र की योजनाओं भी उनको खुली लूट करने का मौका मिले। अब मोदी इनकी मनमानी चलने नहीं दे रहा, इसलिए मोदी को टीएमसी अपना दुश्मन नंबर वन मानती है। अब आप मुझे बता दीजिए, मैं जरा आपको पूछता हूं, क्या ये टीएमसी की लूट मैं चलने दूं क्या? ये टीएमसी जो करती हूं मैं करने दूं क्या? ये पैसा आपका है कि नहीं है? ये बंगाल के लोगों का पैसा है कि नहीं है? आपकी मेहनत का पैसा है कि नहीं है? क्या औरों को लूटने दूं क्या? अगर मैं लड़ाई लड़ता हूं तो सही करता हूं नहीं करता हूं? ये लुटेरों के पीछे मैं कदम उठाता हूं, अच्छा कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं? मैं आज बंगाल को वादा कर रहा हूं, मेरी गारंटी है, ये लूटने वालों को लौटाना पड़ेगा। ये मोदी छोड़ने वाला नहीं है। और मोदी न इनकी गालियों से डरता है, इनके हमले से डरने वाला रुकने वाला मोदी नहीं है। मैंने पश्चिम बंगाल की बहनों, पश्चिम बंगाल के गरीब, पश्चिम बंगाल के युवाओं को गारंटी दी है, और मोदी की गारंटी की है, जिसने गरीब को लूटा है उसको लौटाना ही पड़ेगा। साथियों, टीएमसी की सरकार के रवैये के कारण पश्चिम बंगाल का विकास प्रभावित हो रहा है। टीएमसी सरकार की सजा यहां का गरीब और मिडिल क्लास भुगत रहा है। मैं आपको इसके कुछ प्रमाण देता हूं। जारिया और रानीगंज कोल फील्ड का प्रोजेक्ट हमने लगभग 6 साल पहले शुरू किया था, लेकिन यहां की सरकार इसको आगे बढ़ने नहीं दे रही है। 18,000 करोड़ रुपए का यह आंकड़ा याद रखिए, 18,000 करोड़ रुपए जगदीशपुर हल्दिया और बोकारो धामरा पाइपलाइन प्रोजेक्ट भी 4 साल से पेंडिंग पड़ा है। राज्य सरकार का सहयोग न मिलने के कारण तारकेश्वर से विष्णुपुर रेल लाइन का काम भी रुका पड़ा है। हजारों करोड़ रुपए के ऐसे अनेक प्रोजेक्ट्स
जिनके लिए केंद्र सरकार ने पैसा सैंक्शन कर दिया लेकिन काम नहीं हो पा रहा है। यहां तक कि टीएमसी सरकार गरीबों के घर तक नहीं बनने दे रही है। पूरे देश में मोदी ने 4 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को पक्के घर दिए हैं, पक्के घर मिल चुके, वो पक्के घर में दिवाली होली मना रहे हैं, दुर्गा पूजा कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के गरीब परिवारों के लिए भी केंद्र की भाजपा सरकार ने 45 लाख घर हमने स्वीकृत किए हैं। इसके लिए 42,000 करोड़ रुपये 42,000 करोड़ रुपये रिलीज किए गए हैं। लेकिन बंगाल में राज्य सरकार गरीबों के घर बनाने के लिए तेजी से काम नहीं कर रही, अड़ंगे डाल रही है, रुकावटें पैदा कर रही है। आप मुझे बताइए, पैसे हैं तो गरीबों के घर बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए? जल्दी से जल्दी बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए? अच्छे से अच्छे बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए? क्या ये टीएमसी वाले बना सकते हैं? क्या बना सकते हैं? क्या अगर बनाएगा तो बीजेपी बनाएगी, अगर करेगा तो मोदी करेगा। मेरी माताएं बहनें इतनी बड़ी तादाद में आई है, आपको मैं बताना चाहता हूं। आप जानते हैं केंद्र सरकार हर घर नल से जल पहुंचाने का अभियान चला रही है, हर घर में पाइप से पानी पहुंचने के लिए काम हो रहा है। 4 साल के भीतर ही पूरे देश में 11 करोड़ से ज्यादा नए परिवारों को पाइपलाइन से नल से जल की सुविधा मिली है। लेकिन हर घर जल देने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार कछुए की रफ्तार से काम कर रही है। बताइए, ऐसे लोगों को माफ किया जा सकता है क्या? माताएं बहनें जो आपके घर पानी नहीं पहुंचने देते हैं, उनका दाना पानी बंद करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करोगे क्या? आपके आशीर्वाद रहेंगे? साथियों, उसे माताओं बहनों बेटियों की परेशानियों से कोई लेना देना नहीं है। केंद्र सरकार पैसा दे रही है लेकिन यहां की सरकार उसका उपयोग भी नहीं कर रही है। साथियों, हर उस योजना से जिससे गरीब का भला होता हो, टीएमसी सरकार उसके सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई है। मोदी ने हर गरीब परिवार को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की गारंटी दी है। आयुष्मान कार्ड से देश भर में करोड़ों गरीब परिवारों का मुफ्त में इलाज हुआ है। इससे इन परिवारों को लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। लेकिन गरीब एससी एसटी इनकी विरोधी टीएमसी यहां के 1.25 करोड़ परिवारों को इसका लाभ नहीं देने देती। आप मुझे बताइए, गरीब को मुफ्त इलाज मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अगर बीमारी में सरकार उसके पैसे दे तो उसको सरकार का लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अब देखिए, ये गरीब विरोधी टीएमसी वो भी नहीं करने देती। देश के करोड़ों लोगों को मोदी बीमारी में पैसा दे रहा है,
बंगाल में नहीं दे पा रहा है क्योंकि टीएमसी मना कर रही है। टीएमसी सरकार पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ दिलाने में भी लंबे अरसे तक अड़ंगे लगा रही है। भारत सरकार के प्रयासों से यहाँ बंगाल के छोटे किसान के बैंक खातों में सीधे 11,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए हैं, लेकिन टीएमसी सरकार की पूरी कोशिश है कि इस योजना का पैसा भी हड़प लें। साथियों, टीएमसी सरकार गरीब किसान, नौजवान और महिला के सशक्तिकरण में बहुत बड़ी रुकावट है। ये चार वर्ग जब तक सशक्त नहीं होंगे तब तक पश्चिम बंगाल विकसित नहीं हो सकता। इसलिए आज केंद्र सरकार गरीब किसान, नौजवान और महिला सशक्तिकरण पर सबसे ज्यादा जोर दे रही है। ये भाजपा की ही सरकार है जिसने नारी शक्ति वंदन अधिनियम करके लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण दिया। ये भाजपा की ही सरकार है जिसने नमो ड्रोन दीदी अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत हम गांव की बहनों बेटियों को आधुनिक ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। भाजपा की सरकार गांव गांव में महिला स्वयं सहायता समूहों को लाखों करोड़ की मदद दे रही है जिससे उनकी आमदनी और बढ़े। हमने देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का भी संकल्प लिया है। साथियों, पश्चिम बंगाल विकसित होगा तभी भारत भी विकसित होगा। इसके लिए जरूरी है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की सभी सीटों पर कमल खिले। खिलेगा। टीएमसी को घमंड है कि उसके पास एक निश्चित वोट बैंक है। इस बार टीएमसी का ये घमंड भी टूटेगा। इस बार मुस्लिम बहन बेटियां भी टीएमसी के गुंडा राज को उखाड़ फेंकने के लिए आगे आएगी। इस लोकसभा चुनाव के नतीजे पश्चिम बंगाल से टीएमसी सरकार का उसकी विदाई का, उसके पराजय का काउंटडाउन शुरू करेंगे। आज सब दूर की आवाज आ रही है। मैं अभी देख रहा था शुभेंदु जी को और हमारे अध्यक्ष जी बता रहे थे, ऐ बार मैं आपका फिर आभार व्यक्त करूंगा कि आप हमें इतनी बड़ी संख्या में आशीर्वाद देने आए। आप अपने अपने गांव जाएंगे तो वहां सबको कहना कि मोदी जी ने प्रणाम कहा है। कहेंगे दोनों हाथ ऊपर कर मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। अनेक